होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। दूसरों को खुशी की तरफ ले जाने की कोशिश करना आपके मन में खुशी का सबब बनता है। बदले की आग जख्म को ताज़ा रखती है और हमें जलाती रहती है। जो रिश्ते आपको बार बार धूप में ला खड़ा करें, वो कभी भी आपकी छांव नहीं बन सकते। इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वो बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराएं, वो बस अपना तारफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान कर आगे चल दें। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। आजकल लोग दुआओं में कम और चुगलियों में ज़्यादा याद करते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। लोग हमें लोगों के ख़िलाफ़ करके खुद उनसे दोस्तियां लगा लेते हैं। टाइम तो गुज़र ही जाता है, मगर उस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफ़ें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। रिश्ता आला ख़ानदान में नहीं, आला ज़र्फ लोगों में होना चाहिए। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। परेशान ना हो, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। मतलब ख़त्म होने पर इंसान को रंग बदलते देखा है। संजीदगी के साथ किए हुए छोटे छोटे काम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। भटक जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भटक कर भटके ही रहना बहुत ख़तरनाक है।